कि छोटी बात बड़ी करते वहां ऐसे लोग बतेरे थे। जीत मान के शेर खान मन मन में आनंद ले रहे थे, दरबारों में रजपूतों के सुन सुन उतरे चेहरे थे, वहां किरणमयी की उपमा सब गंदी नाली से दे रहे थे। पर लड्डन सिंह राजबल ने श्री गंगा धाम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब तिल का नाम सुना था। उस सच्ची पतिव्रता के बारे में एक गंदी नाली से उसका प्रमाण दिया जा रहा था वहां पर। लेकिन साथियों, वो पृथ्वी सिंह राजपूत भरे दरबार में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगता है कि बादशाह सलामत, शर्त के अनुसार मैं अपने मुकदमे में अपनी हार स्वीकार करता हूं। अब किरणमयी का बार बार जिक्र करके मेरी जलालत ना करो। क्यों? क्योंकि होनी और अनहोनी आज मेरे संग में सारी होगी। फांसी का दे हुक्म बादशाह, पल पल भारी होगी। मैं इस अपमान भरी जिंदगी को एक पल जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी पर चढ़वा दिया जाए। लेकिन साथियों, बादशाह अकबर कहते हैं कि पृथ्वी सिंह, शर्त के अनुसार मुकदमे में हार हुई है तेरी, तुम्हें फांसी तो होगी लेकिन तेरी फांसी में 3 रोज का भी हम समय दे रहे हैं। मरने से पहले अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम इस भरे दरबार में बताइए, तुम्हारी उस अंतिम इच्छा को पूरा करवाया जाएगा। पृथ्वी सिंह राजपूत कहता कि बादशाह, अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार आजाद होकर के अपनी उस मातृभूमि को नमन करने के लिए जाना चाहता हूं। मैं अपनी उस कर्म भूमि, अपनी उस जन्म भूमि के दर्शन करके आना चाहता हूं, और वो भी बिल्कुल आजाद होकर के मैं अपनी उस मिट्टी को एक बार अपने मस्तक से लगा करके आना चाहता हूं। अगर मुझे अनुमति हो तो दे दी जाए। बादशाह अकबर तो अनुमति देने लगे, लेकिन शेर खान पठान हुआ खड़ा हुआ और कहने लगा कि बादशाह अकबर, मुकदमे में पृथ्वी सिंह को जमानत तब मिलेगी जब कोई पृथ्वी सिंह राजपूत की यहां भरे दरबार में जमानत देगा। शर्त के अनुसार, अगर समय के अनुसार पृथ्वी सिंह यहां पर ना आया तो फांसी उसको होनी चाहिए जो पृथ्वी सिंह की जमानत दे। बादशाह अकबर ने पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर अपने सामने रखा और भरे दरबार में एक खुले दिल से क्या ऐलान करते हैं, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा कैसे बोला। भाई 10 तक मौत रजिस्टर में, ये पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर है सामने, लेकिन अगर कोई इस पर दस्तक करना चाहता तो इन बातों का ध्यान करना कैसे। अरे 10 तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे, वो पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत मान के करे। मुजरिम न्यू अकबर ने कहा उभर के कोई रिश्तेदार दिखावे, या यार यार प्रेमर के यो अपनी मातृभूमि को आवेगा नमस्ते करके। कोई दे जमानत इसकी दिख जान हाथ पे धर के, कोई दे जमानत इसकी दिख जान हाथ पे धर के। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे। लेकिन साथियों,
उस भरे दरबार में बहुत लोग हिंदू बैठे थे, लेकिन हुआ क्या, दूसरी कली में सुनेंगे कैसे बना। अकबर की सुन सुन पानी रे, अकबर की सुन सुन पानी, कब मिंतर धोरा भर के, उस शेर खान पापी के, मन माफी के फूल बिखर गए। सुनसान सभा हुई जैसे, जन जीवे ना सब मर गए। 1600 हिंदू नीचे, सब अपनी गर्दन कर गए। 1600 हिंदू नीचे, सब अपनी गर्दन कर गए। अरे बेशक जागी टूटे डोर जो, बेशक जागी टूटे डोर जो, लोग पृथ्वी सिंह के परिचित थे, लेकिन पृथ्वी सिंह जिधर को भी नजर घुमाए, ये आस उम्मीद करके कि तेरी कोई जमानत देगा, तेरा कोई ना कोई यार रिश्तेदार तो यहां पर तेरे लिए हमदर्दी दिखाएगा। साथियों, पता नहीं लगता एक क्षण में वो परमात्मा क्या कर दे। आया तो था, किस हिसाब से, किस खुशी से वो पृथ्वी सिंह, लेकिन वहां पर आकर के मौत का फंदा आज पृथ्वी सिंह के लिए तैयार हो गया। आज ये सोच रहा है, लेकिन जिधर को नजर घुमाए उसके जो भी जानकार लोग थे, या तो अपनी नाड़ झुका लें या नजर झुका लें, कोई पृथ्वी सिंह की जमानत देने को तैयार नहीं है। तो क्या ख्याल आने लगे, तीसरी कली में क्या सोच रहा था। सोचे शर्त लगाई रे, बे सोचे शर्त लगाई, पापे से आप लड़ा था, झूठी ने नाक कतर दी, मुझे जिस पे घमंड बड़ा था, लगी दिल पे चोट करारी, चेहरे का नूर झड़ा था, वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था, वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था। अरे पहले अच्छा बुरा कर्म हा, पहले अच्छा बुरा कर्म पहचान के करे, बहुत चीजों की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बढ़कर के इंसान के लिए क्या होती है, चौथी और अंतिम कली में सुनेंगे आप कैसे बला। फिर बता कहां का रह जा रे, फिर बता कहां का रह जा, मानस इज्जत से लुट के, कह लड्डन सिंह राजबल